वेलकम एवरी वन, आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल. डियर लर्नर्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दिस इज इन अवर मॉड्यूल 3. वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दिस टॉपिक वी विल कवर इन टू पार्ट्स. इन फर्स्ट पार्ट वी विल सॉल्व आवर थ्योरेटिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वाइल इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक वी विल डिस्कस ऑल न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स अंडर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. So let's start the topic. We will start this topic with quick revision. So dear learners, to start electrochemistry, we have to first discuss what is electrochemistry. Electrochemistry is a branch of science which deals with the relationship between the electrical energy and the chemical energy and their interconversion of one form to other. That is known as electrochemistry. यानी कि हमारी केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन बताने वाला और उनके इंटर कन्वर्जन को समझाने वाला जो ब्रांच है साइंस का, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं. नाउ द डिवाइस इन विच वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नोन एज सेल. दीज सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वाइल द सेल्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. फर्स्टली वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच आर ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल. इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल डेनियल सेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. डेनियल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे ब्रीफ लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट की फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिनको आप अच्छे से देख भी सकते हैं. तो हमने देखा है कि जिंक की रॉड जब जिंक सल्फेट में डिप होती है, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में डिप होती है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू दोनों हाफ सेल को अटैच कर दिया जाता है. तो ये एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल है जहाँ जिंक एज ए एनोड वर्क करता है, कॉपर एज ए कैथोड वर्क करता है. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो एनोड से कैथोड की तरफ होंगे और जो करंट फ्लो होगा वो आउटर सर्किट में इससे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होगा. तो इस डिवाइस को हम डेनियल सेल बोलते हैं. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड अपना एनोड दिखाते हैं और राइट हैंड साइड कैथोड दिखाते हैं. ये एनोड जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप होता है उसके थ्रू हम इसको सेपरेट करते हैं और दोनों हाफ सेल को एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू सेपरेट करते हैं. और ये कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें ये कैथोड डिप किया गया होगा. तो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, दैट विल नोन एज पोटेंशियल. तो फर्स्टली अगर हम कहें कि वॉट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ डिफरेंट सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मे बी ऑफ टू टाइप्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, while the tendency of an electrode to accept the electron is known as reduction potential. Now one term is also there which is important, standard electrode potential. The electrode potential in standard condition is known as standard electrode potential. Now for what is standard condition? So standard condition is that the concentration of ions should be 1 mole, the temperature should be 25 degree centigrade, and for gaseous reactions the pressure should be maintained at 1 atmospheric pressure. So at these condition the potential of electrode is known as standard electrode potential. Now we have to discuss what is EMF or electromotive force. So we can say potential of a cell. Abhi to humne ek electrode ka potential dekha, but what will be the potential of a cell? So the difference of electrode potential between two electrodes consisting an electrochemical cell. Electrochemical cell mein present dono electrodes ke इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ सेल बोलते हैं. EMF निकालने का फॉर्मूला है, जैसे कि आप जानते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. जैसा कि अभी आपको सेल में रिप्रेजेंट किया गया कि जो भी राइट हैंड साइड लिया जाता है वो कैथोड लिया जाता है और जो लेफ्ट हैंड साइड लिया जाता है वो एनोड लिया जाता है. तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. अगर ई सेल हमारे किसी भी सेल का पॉजिटिव निकल कर आता है, दैट मीन्स वो रिएक्शन फीजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. अगर ये ई सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल निगेटिव निकल कर आता है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, दैट मीन्स दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. इसके बाद हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको निकालने के लिए इसकी क्या एप्लीकेशन है, हमने नर्स्ट इक्वेशन देखी थी और नर्स्ट इक्वेशन डेराइव भी की थी. तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है जिसमें हम
सेल के पोटेंशियल को वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ रिलेट करते हैं, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N। यहाँ पर एन एफ था तो हमने वैल्यू रख दी है आर टी की और एन एफ की आप जानते हैं, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो अब ये जो नर्स्ट इक्वेशन है इसकी क्या एप्लीकेशन है, वी कैन कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, हम सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम अगर यहाँ पर हमारी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन दी जाए तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानेंगे, और वी कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ वन आयनिक स्पेशीज, अगर हमें किसी आयनिक स्पेशीज के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आयनिक प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पुट की जाएगी और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पुट की जाएगी। मान लीजिए चार में से तीन आयन की कंसंट्रेशन आपको पता होगी तो एक को आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नर्स्ट इक्वेशन। और अगर आप पर्टिकुलरली एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर आप देखने जा रहे हैं तो आप पी एच भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस सॉल्यूशन का। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन जिनको हम अपनी सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे इसकी न्यूमेरिकल्स को। बट इन दिस वीडियो वी विल ऑल्सो कवर लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी विच इज अ सेकेंडरी बैटरी, और वी कैन से द बैटरी विच आर रिचार्जेबल आर नोन एज सेकेंडरी बैटरीज। तो यहाँ पर एक सेल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है लेड स्टोरेज बैटरी की, जब ऐसी सिक्स सेल को अरेंज किया जाएगा तो उसको हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड इज मेड अप ऑफ लेड विद स्पॉन्जी लेड, लेड के ऊपर स्पॉन्जी लेड की कोटिंग होती है जबकि कैथोड पर लेड के ऊपर स्पॉन्जी लेड और लेड ऑक्साइड की 1:1 की कोटिंग होती है। तो लेड पर स्पॉन्जी लेड पर स्पॉन्जी लेड और लेड ऑक्साइड की कोटिंग होती है। 5 मोल H2SO4 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एक लेड स्टोरेज बैटरी की सेल को। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिखाई गई हैं, क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं एनोड और कैथोड पर। स्पॉन्जी लेड का बना हुआ हमारा एनोड है जिस पर जब सल्फेट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होंगी दैट विल बी द रिएक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग, वाइल बैकवर्ड रिएक्शन विल बी द रिएक्शन ऑफ चार्जिंग। तो यही मेन क्वेश्चन बनता है, डिस्चार्जिंग में आपसे क्वेश्चन अलग पूछा जा सकता है और चार्जिंग में क्वेश्चन अलग पूछा जा सकता है। व्हेन दे विल कंबाइन दे विल प्रोड्यूस लेड सल्फेट with the release of 2 electrons as this reaction is taking place at anode, so oxidation will occur. While at cathode lead or lead oxide की coating है, तो ये जो lead oxide है जो cathode पर present है ये sulfate और H plus यानी कि H2SO4 के साथ combine करेगा plus उन electron को accept करेगा जो anode से release किए जा रहे हैं और discharging के वक्त ये lead sulfate produce करेगा। तो आप देख सकते हैं in forward direction when the बैटरी विल डिस्चार्ज लेड सल्फेट इज फॉर्मिंग, ये लेड सल्फेट आपके इलेक्ट्रोड्स पर सॉलिड की फॉर्म में एक्यूमुलेट होता रहेगा। और अगर आप चार्जिंग की रिएक्शन देखें तो आप देख रहे हैं कि H2SO4 जनरेट होगा, और आप अगर ऑल ओवर रिएक्शन देखें तो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन में H2O प्रोड्यूस हो रहा है। दिस वाटर विल डाइल्यूट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, सो टाइम टू टाइम वी कैन चेक द H2SO4 की कंसंट्रेशन कितनी है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कितनी बैटरी बची है या कैसे रिचार्ज कब करना है, इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके कुछ टॉपिक्स जिसमें थर्मोडाइनमिक फंक्शंस का क्या रिलेशन है, एंथैल्पी एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड नर्स इक्वेशन, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे सो दैट कि हम अपनी साइमल्टेनियसली कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द कैथोड इज ऑलवेज, कैथोड क्या होता है, क्या वो एक नॉन मेटल होता है, अटैच टू द बैटरी होता है, द इलेक्ट्रोड एट विच सम स्पीशीज गेन इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन, द इलेक्ट्रोड एट विच सम स्पीशीज लूज इलेक्ट्रॉन, सम स्पीशीज लूज इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। सो वी नो कि जो कैथोड होता है उस पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, जबकि जो ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा एनोड पर होता है, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है। द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज, तो हमेशा जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पर होता है, तो ए शुड बी इट्स आंसर। इट विल नॉट बी कैथोड, इट विल नॉट बी इलेक्ट्रोड, इट विल नॉट बी सॉल्ट ब्रिज। मूविंग ऑन थर्ड क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन इज, किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कहलाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कहलाएगी रिडक्शन पोटेंशियल। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका आंसर होना चाहिए, तो बी शुड बी इट्स आंसर। दैट विल नॉट बी रिडक्शन पोटेंशियल, दैट विल नॉट बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
तो बी शुड बी इट्स आंसर. मूविंग ऑन फोर्थ क्वेश्चन. इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द एनोड एंड कैथोड आर रेस्पेक्टिवली. तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड और कैथोड होते हैं, जो एनोड होता है पॉजिटिव होता है जबकि जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड बोथ और नन. तो ए शुड बी इट्स आंसर. मूविंग ऑन फिफ्थ क्वेश्चन. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्स द, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मेजर करता है? टेंडेंसी ऑफ ए of the electrode to gain or lose the electron, yes. Tendency of the cell reaction to occur. Difference in ionization potential of electrode and metal ion. Current carried by an electrode. तो किसी भी electrode के electron lose और gain करने की tendency को electrode potential बताता है. Next question important है, पूछा जा सकता है. The condition of standard electrode potential are. क्या standard electrode potential की condition है? यूनिट मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यस 1 मोल कंसेंट्रेशन होनी चाहिए. 298 केल्विन टेम्परेचर, यस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ईच गैस, यस ये भी होना चाहिए. सो डी शुड बी इट्स आंसर. ऑल आर करेक्ट. सेवेंथ क्वेश्चन. ए बी सी डी आर फोर एलिमेंट्स हुज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर. तो ए बी सी डी ये चार एलिमेंट हैं. तो ये इनके पोटेंशियल दिए हैं सभी के, मान लीजिए पॉजिटिव में दिया है. तो इसको देखिए कि इसमें क्या है कि हमसे पूछे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए गए हैं, यानी कि जिनका प्लस है उनका तो ऑक्सीडेशन होता है और जिसका माइनस है वो रिडक्शन पोटेंशियल वाला होगा, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाया गया है. तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरे को रिड्यूस वो करेगा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा. तो जिसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो आप देख सकते हैं प्लस में वैल्यू 2.82 सबसे ज़्यादा है जो कि एलिमेंट ए की है. सो ए शुड बी इट्स आंसर. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी आर. ए बी एंड सी इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिए हुए हैं. द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर. तो इनकी रिड्यूसिंग पावर यानी कि जिसकी माइनस में वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर रखेगा. तो आप देखिए बी की माइनस में वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर सी की पावर ज़्यादा है और ए की पावर तो पॉजिटिव में है, जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव में है. तो इसका सही ऑर्डर होना चाहिए बी सबसे ज़्यादा ए सबसे कम. तो देखते हैं क्या ऑर्डर सही बैठेगा. बी सी ए फर्स्ट ऑर्डर ही हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है. ए बी सी नहीं है, सी बी ए नहीं है, बी ए सी नहीं है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट. तो जरा देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है. Cu2+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है. तो ऑल ओवर इसमें रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है. अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रॉन्स आर. इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, क्या वो लॉस्ट होते हैं, या फिर गेन्ड बाई कैटायन और लॉस्ट बाई अनायन होते हैं. तो देखिए जरा ऊपर रिएक्शन के साथ ये क्वेश्चन इसीलिए दिखाया गया है, यहाँ रिडक्शन की रिएक्शन देख रहे हैं. हमेशा एक कैटायन तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जो अनायन होगा जैसे कि जिंक -2 वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पर इससे आपको ये समझ में आता है जो कटायन होगा वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जबकि जो अनायन होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो सी शुड बी इट्स आंसर. लॉस्ट बाय कटायन गेन बाय अनायन इज अ रॉन्ग आंसर. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज. एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देती है, क्यों? वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज ईटन अवे. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स बिकम इक्वल इन मैग्नीट्यूड. यस दिस इज द आंसर. डियर स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे जो सेल वर्क कर रही है दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. और जब वो पोटेंशियल डिफरेंस ही कम हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा, तो सेल वर्क करना बंद कर देगी. दैट्स वाई कि जो सेल है जब उसका पोटेंशियल दोनों हाफ सेल्स का इक्वल हो जाता है मैग्नीट्यूड में, तो वर्क करना बंद कर देते हैं इलेक्ट्रोड्स. तो बी शुड बी इट्स आंसर. देख लेते हैं सी और डी ऑप्शन. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स गो टू डिक्रीजिंग, नो. गो टू इंक्रीजिंग, नो. सो बी शुड बी इट्स आंसर. 12th क्वेश्चन. द पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड इन अ हाफ सेल
इज कॉल्ड। हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, क्या हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे? हमें और कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो हाफ सेल के पोटेंशियल को तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और गेन कर रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। तो ए आंसर तो है इसका, हाफ वेव पोटेंशियल इसका आंसर नहीं होगा। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा कंपेटेबल आंसर हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ही है, सेल तो पूरी सेल का पोटेंशियल होता है, तो ए ही इसका आंसर होना चाहिए। मूविंग ऑन 13th क्वेश्चन, विच मेटल विल डिजॉल्व इफ सेल वर्क्स। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं ये रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ कि जो रिएक्शन होती है उसमें जो एनोड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिया जाता है और एनोड अपने आयंस में आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है जो सेल होती है, जो भी हमारा एनोड वर्क करे। और हमारी सेल में लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है, राइट हैंड साइड कैथोड होता है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर कॉपर मेटल है जो कि एनोड का वर्क करेगी और जो कि डिजॉल्व होकर Cu2+ की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो Cu डिजॉल्व होगा। सो ए शुड बी इट्स आंसर। मूविंग ऑन 14th क्वेश्चन, इन द रिएक्शन जिंक प्लस 2HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। तो देखते हैं क्या कहा है, क्या जिंक ऑक्सीडाइज होती है? देखिए जरा, यहाँ Zn जो कि फ्री स्टेट में है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 होगी, तो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग, दैट इज ट्रू। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो देखिए जरा, यहाँ पर Cl का है -1 और यहाँ पर 2 है जो कि 2 × -1 ही रहने वाला है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी ट्रू है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंजेस फ्रॉम +1 to 0। देखिए जरा, हाइड्रोजन यहाँ Cl का -1, H का +1 होगा, और H2 जो कि फ्री स्टेट में होगा तो 0 होगा, तो +1 से 0 ही हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑल आर करेक्ट, शुड बी इट्स आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर 15th क्वेश्चन, इन अ गैल्वेनिक सेल एनर्जी चेंजेस अकर्स एज। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, क्या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल केमिकल में, या केमिकल इंटरनल में, या इंटरनल इलेक्ट्रिकल में? तो आप जानते हैं गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ए शुड बी इट्स आंसर। मूविंग ऑन 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखते हैं क्या इनकरेक्ट है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, यस। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, यस। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ, हमसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की जा रही है। सेल कैन वर्क इनडेफिनेटली, नो। एक टाइम पर हमने अभी कुछ टाइम पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, दोनों इलेक्ट्रोड्स का मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है वो मतलब कि इक्वल हो जाता है, डिफरेंस नहीं रह जाता है, जिससे कि वो एक टाइम पर वर्क करना बंद कर देती है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, यस। So C should be its answer. C is only incorrect option regarding electrochemical cells, while all options are correct. 17th question, which of the following constitutes Daniell cell? तो Daniell cell में zinc तो हमारा work करता है, anode का, और copper का काम करता है cathode का। zinc zinc sulfate में dip होता है, जबकि copper copper sulfate में dip होता है। इस तरीके की cell आपको मैंने दिखाई भी थी। तो zinc silver नहीं है, copper silver नहीं है, zinc copper तो है, none of these इसका answer नहीं होगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, इन द सेल जिंक जिंक सल्फेट कॉपर कॉपर सल्फेट में डिप है, कॉपर गेट्स रिड्यूस्ड, क्या Cu का रिडक्शन हो रहा है? देखिए जरा, हमसे कॉपर आयन की बात नहीं कर रही है, Cu की बात कर रही है, तो नहीं, रिडक्शन तो नहीं हो रहा है। Cu+2, जिंक आयन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जिंक आयन गेट ऑक्सीडाइज्ड, नो, जिंक गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो देखिए क्या जिंक Zn+2 में, ये देखिए जिंक गेट ऑक्सीडाइज्ड, यस, ये तो सही है। कॉपर आयंस गेट रिड्यूस, हाँ, कॉपर आयंस रिड्यूस हो रहे हैं, देखिए। कॉपर्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, नो, तो सी शुड बी इट्स आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। हमें पता है हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड से इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए जाते हैं, कैथोड पर एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट फ्लो करेगा आउटर सर्किट में कैथोड से एनोड की तरफ। तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ फ्लो करते हैं, कैथोड टू एनोड, नो, एनोड टू कैथोड, यस, ये तो हो सकता है, एनोड टू सॉल्यूशन, नो, सॉल्यूशन टू कैथोड, नो, तो बी शुड बी इट्स आंसर। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट फ्लोस, 20 क्वेश्चन देख रहे हैं हम, करंट कहाँ फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ इन आउटर सर्किट, यस, ये तो है। फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो कभी नहीं। फ्रॉम कैथोड टू एनोड इनसाइड द सेल, नो, सो ए शुड बी इट्स आंसर। 21st क्वेश्चन, द सॉल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सर्व्स टू, इसका क्या वर्क है सॉल्ट ब्रिज का,
Increase the rate at which equilibrium attained? Never. Increase the voltage of the cell? नहीं. Maintain electrical neutrality? हाँ, electrical neutrality maintain करने का ही main work है हमारे salt bridge का. Increase the oxidation reduction rate? No. ये कोई ऐसा work oxidation reduction increase करने का नहीं करता. So C should be its answer. Next question. In the salt bridge, KCl is used because salt bridge में KCl क्यों use किया जाता है? KCl is an electrolyte. Of course, electrolyte तो होगा ही. कोई भी जिसको हम salt bridge में use करेंगे तो specifically KCl का तो reason नहीं होना चाहिए. K plus and Cl ions are isoelectronic? No. K plus and Cl minus have almost same speed or mobility. Yes, that is the answer. That's why कि हम KCl को as a electrolyte use करते हैं in the salt bridge. So C should be its answer. Agar agar forms a good jelly with KCl? नहीं, ये भी कोई answer नहीं है. Moving on next question. The reactions taking place at anode and cathode are respectively. तो ये तो बहुत easy सा question हो गया आपके लिए. एनोड पर क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन. तो पहले ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन हमें ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है. सो ए शुड बी इट्स आंसर. 24th क्वेश्चन. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? यस. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वो टाइप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं. तो वो सेल इन विच ब्लैंक रिएक्शंस आर फोर्स्ड टू अकर बाय इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? यस. तो जो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट करके उनसे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं. तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं दे आर फोर्स टू अकर बाय द इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इसका आंसर होना चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस. ना तो ये एक्सोथर्मिक होंगी, ना एंडोथर्मिक, ना स्पॉन्टेनियस. सो मूविंग ऑन 25th क्वेश्चन. द ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गिवन बाई द रिएक्शन. तो आप जानते हैं EMF क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन ही लिया जाता है. तो ई सेल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड. ये तो सही है. पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस कैथोड, लेफ्ट माइनस राइट तो नहीं होता, राइट माइनस लेफ्ट होता है. राइट हैंड साइड हम हमेशा कैथोड लेते हैं. सो इसका आंसर होना चाहिए ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट इक्विलिब्रियम EMF ऑफ द सेल इज, इक्विलिब्रियम पर सेल का क्या होता है? तो जो EMF होता है इक्विलिब्रियम पर वो हमेशा जीरो होता है. जीरो वोल्ट लिया जाता है EMF ऑफ द, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सेल के लिए वो जीरो होता है एट इक्विलिब्रियम. सो ए शुड बी इट्स आंसर. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इन करेक्ट फॉर लेड स्टोरेज बैटरी? देखते हैं लेड स्टोरेज बैटरी का. इट इज अ सेकेंडरी सेल? यस दैट इज ट्रू. बिहेव्स एज वोल्टेइक सेल व्हाइल डिस्चार्जिंग? यस दैट इज ऑल्सो ट्रू. Behaves as electrolytic cell while charging? Yes, that is also true. So all are correct should be its answer. Dear learners, यहाँ पूरी कोशिश की गई है कि आपको तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. तीन स्टेटमेंट ऐसे दिखाए गए हैं जो ट्रू हैं, जिससे रिलेटेड अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ बन सकते थे. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट इज द बेसिक रीजन दैट अ लेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिचार्ज? बेसिक रीजन क्या है जिससे कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो कैन बी रिचार्ज हो सके? लेड सल्फेट इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स. ये तो डिस्चार्जिंग पर होता है कि जो लेड सल्फेट बनता है और वो इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिटेड हो जाता है. लेड सल्फेट डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट? यस. जब वो लेड सल्फेट जो इलेक्ट्रोड्स पर एक्यूमुलेट हुआ है वो जब डिजॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में तब वो बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होती है. ये मैंने आपको रिएक्शंस के थ्रू भी दिखाया हुआ है. एक बार फिर से देख लेते हैं रिएक्शन. ये देखिए, ये लेड सल्फेट जब डिस्चार्ज होगी बैटरी तो ये लेड और सल्फेट में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में. तो दैट कैन बी लेड कन्वर्टेड इनटू PbO2? नो. PbO2 कन्वर्टेड इनटू Pb? नो. तो बी शुड बी इट्स आंसर. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एज लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, क्या होता है? लेड ऑक्साइड डिजोल्व होता है. तो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्चार्जिंग की होती है, बैकवर्ड चार्जिंग की होती है. तो PbO2 लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्ट करता है कैथोड पर, तो डिसॉल्व होता है क्या? तो ये तो चार्जिंग पे हमसे रिएक्शन पूछी जा रही है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन. सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड? यस. ये तो होता है कि जो H2SO4 होता है वो रीजनरेट होता है. लेड इलेक्ट्रोड बिकम कोटेड विद लेड सल्फेट, ये तो हमारी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन में होता है. द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस, कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होती है. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, बी शुड बी इट्स आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4, तो
तो जब हमारी ब्लड सेल की चार्जिंग होगी, चार्जिंग के वक्त क्या होगा, ये भी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा है, जो H2SO4 होगा वो इंक्रीज होगा क्योंकि वो जनरेट होता है। तो चार्जिंग के वक्त लेड स्टोरेज सेल में H2SO4 जनरेट होता है जिससे कि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, वाइल डिस्चार्जिंग के वक्त डिक्रीज होगी। मूविंग ऑन लास्ट क्वेश्चन, इन लेड एसिड बैटरी कैथोड इज कोटेड विद, आप जानते हैं जो एनोड होता है उस पर लेड पर स्पॉन्जी लेड की कोटिंग होती है, जबकि जो कैथोड होता है उस पर लेड पर PbO2 और Pb की वन स्पॉन्जी लेड और लेड ऑक्साइड की 1:1 की कोटिंग होती है। तो PbO2 एंड स्पॉन्जी लेड बी शुड बी इट्स आंसर। लास्ट क्वेश्चन डियर लर्नर्स, फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन Mn प्लस जो कि एक्वस फॉर्म में है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, और जो सॉलिड्स होते हैं उनके एक्टिव मास कॉन्स्टेंट लिए जाते हैं। तो देखिए जरा क्या होना चाहिए इसका आंसर। सो फॉर द गिवन रिएक्शन नर्स्ट इक्वेशन विल बी दिस। सो वी कैन सी कि विच करेक्शन इज करेक्ट। लेट्स सी, इन ऑप्शन ए इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस आरटी अपॉन एनएफ। तो हम जानते हैं तो माइनस साइन है व्हेन वी आर राइटिंग प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जहां हमने सॉलिड के एक्टिव मास कांस्टेंट लिए हुए हैं, तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस आरटी अपॉन एनएफ लॉग। तो हमने बेस 10 नहीं लिया है इस करेक्शन में, अगर हम बेस 10 लेंगे तो 2.303 आना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट होगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एम एन प्लस। तो अगर हम माइनस लिख रहे हैं तो 1/mn+ आएगा। वाइल अगर हम डी ऑप्शन देखें जहां हमने प्लस साइन यूज किया हुआ है, तो अगर अपने इस रिलेशन को जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सेम जो आपको रिलेशन ब्लैक पेन से दिखाई दे रहा है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो डी ऑप्शन विल बी इट्स आंसर। तो डियर लर्नर्स, इस क्वेश्चन के साथ हमने जितने भी थियोरिटिकल क्वेश्चंस पॉसिबल थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम वेरियस न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।